नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश करते हुए प्रमुख खबरों को। ईडी निदेशक संजय मिश्र के सेवा विस्तार को अवैध करार देने के बाद सरकार पर हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर तीखा कटाक्ष किया है। शाह ने साफ किया है कि ईडी किसी एक निदेशक तक सीमित नहीं है और एक संस्था के रूप में वह वंशवादियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन शोषण के शिकार महिला को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन शोषण करने वाले व्यक्ति का है। अदालत ने कहा है कि यदि ऐसा किया जाता है तो यह ऐसा दुख होगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने 12 वर्षीय मुखबादिर दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दायर रिट याचिका पर पिछले सप्ताह यह आदेश पारित किया है। एसके सोनी ने 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी है। घरेलू गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कम खर्च वाले लोगों को 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 1100 रुपये में खरीदना पड़ता है जिससे लाखों परिवारों का बजट तक खराब हो जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब पेट्रोलियम कंपनी 2 किलोग्राम का सिलेंडर लाने की तैयारी में है जिसकी कीमत सिर्फ 155 रुपये निर्धारित किए जाने पर बात चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 5 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडर को मार्केट में उतारा गया था जो किफ़ायती होने के साथ साथ काफ़ी हल्का भी था। भारत और बांग्लादेश के बीच मंगलवार को रुपए में कारोबार शुरू हो गया जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय मुद्रा में व्यापार को मजबूती मिलेगी। बांग्लादेश ने पहली बार किसी देश से अमेरिकी डॉलर के अलावे उसकी मुद्रा में व्यापार किया है। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने रुपये में व्यापारिक लेन देन की शुरुआत को एक महान सफर पर उठा पहला कदम बताया है। दिल्ली पुलिस की चार्ज सीट पर जब भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो सांसद आपे से बाहर हो गए। मीडियाकर्मी को पहले तो उन्होंने डपट दिया, इसके बाद उसका माइक तोड़ दिया। बृजभूषण के इस व्यवहार ने साबित किया है कि दिल्ली पुलिस के चार्ज सीट पर से पूरी तरह भरक गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत के बारे में बड़ी बात कही है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के द्वारा गरीबी को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि साल 2005-06 से साल 2019-21 तक सिर्फ 15 सालों में भारत 41.5 करोड़ से अधिक लोग इस गरीबी की दशा से बाहर निकले हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स का यह ताज़ा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया। इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित 25 देशों ने 15 साल के भीतर अपने देश में गरीबी को आधा कर दिया है। इस्कॉन ने मंगलवार को कहा कि उसने स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के बारे में की गई टिप्पणियों से उपजे विवाद के बाद साधु पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमोघ लीला दास नामक साधु ने मछली के सेवन के लिए स्वामी विवेकानंद की आलोचना करते हुए कहा था कि एक सदाचारी व्यक्ति कभी भी किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश से त्राही माम मचा हुआ है। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल में बुधवार यानी आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, मतलब इन राज्यों में भारी बारिश का खतरा भी टला नहीं है। उत्तराखंड में बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल बंद रहे। दूसरी ओर हिमाचल में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। राज्य के लिए अगले 2 दिन काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के वजह से मंडी और लाहौल स्पीति में कई मकान ढह गए हैं। अगर आप भी पानी की पैक्ड बोतल का पानी पीते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए गुणवत्ता मानक लागू किए हैं। इससे घटिया चीज़ों के इंपोर्ट पर रोक लगाने के साथ ही देश में बेहतर क्वालिटी वाली चीज़ों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी मकसद से पीने के पानी की बोतलों और लौ पैदा करने वाले लाइटर के लिए जरूरी गुणवत्ता मानदंड जारी किए गए। इस संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 5 जुलाई को नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की थी। अमेरिकी सांसद और प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी के प्रयास की कड़ी निंदा की है और इस आपराधिक कृत्य के अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधु को निशाना बनाकर की गई हिंसक बयानबाजी की भी आलोचना की और इस बात पर जोर दिया है कि स्वतंत्र भाषण किसी को भी हिंसा भड़काने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देता है। खालिस्तान समर्थकों द्वारा 2 जुलाई को ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की घटना को दिखाया गया है। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के रुख तथा विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से मंगलवार को रुपया मजबूती के रुख के साथ खुला है। फॉरेक्स डीलरों ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से रुपये का लाभ सिमट गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.42 के भाव पर खुलने के बाद 82.38 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। यह इसके पिछले बंद भाव की तुलना में 21 पैसे की बढ़त है।
कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस ने आपको भी कॉल करके मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग होगी और उससे एक दिन पहले डिनर रखा जाएगा। यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख विदित भूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। 2 फोटो जिसमें कथित तौर पर उसे एक शिकायतकर्ता की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है, में उसके फोन की लोकेशन दूसरे गवाही से मैच कर रही है। फोटो का यह सेट उस कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी की पुष्टि करता है, जहाँ यौन उत्पीड़न की कथित घटना हुई थी। यह फोटो दिल्ली पुलिस की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में तकनीकी साक्ष्य का हिस्सा है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस छोटे से सत्र में भी सत्ताधारी दल और विरोधी दल में टकराव चरम पर है। बीजेपी लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने को लेकर बेहद आक्रामक है, और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायक लगातार ये मांग कर रहे थे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दो। जिस वक्त ये नारेबाजी हो रही थी, उस वक्त नीतीश कुमार सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे थे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को ईडी के निदेशक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर निशाना साधा। अमित शाह ने टिप्पणी की थी, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक कौन है। इस पर सिब्बल ने पूछा कि फिर सरकार ने ईडी के प्रमुख संजय मिश्रा को तीसरा विस्तार क्यों दिया। सिब्बल की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख मिश्रा को दिए गए एक एक साल के 2 लगातार विस्तारों को अवैध ठहराए जाने के एक दिन के बाद आई। अदालत ने बालासोर रेल हादसा मामले में रेलवे के 3 आरोपी अधिकारियों को सीबीआई रिमांड मंगलवार को और 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। इन 3 आरोपियों में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। उन्हें उनकी 5 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था। उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश के कारण नॉर्दर्न रेलवे के कुछ रेलखंडों पर बारिश का पानी आ गया है। इसके चलते बिहार आने जाने वाले कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर मुख्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 13 जुलाई तक लंबी दूरी की 21 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें अर्चना एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं। अडानी ग्रुप पर कॉरपोरेट गड़बड़ी के आरोपों के बाद से अडानी ग्रुप और भारतीय शेयर बाजार दोनों में काफ़ी सुधार हुआ है। मार्केट कैप के लिहाज से भारत ने अब अपना शीर्ष 5 स्थान फिर से हासिल कर लिया है। पिछले 3 वर्षों में भारतीय शेयर मार्केट ने दुनिया के अधिकतर बड़े बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें वैश्विक मार्केट कैप में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है और मार्च 2022 में यूके को पछाड़कर शीर्ष 5 में पहुंच गया है। हालांकि जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर कॉरपोरेट गड़बड़ी के आरोपों के बाद रैंकिंग में गिरावट आई है। कांग्रेस ने भारतीय कंपनियों द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए चीनी मुद्रा युआन का उपयोग करने पर आपत्ति जताई और आश्चर्य जताया है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पसंदीदा मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह लेने की चीनी परियोजनाओं में मदद कर रही है। द टेलीग्राफ रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि कुछ निजी रिफाइनरों के अलावा यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल ने भी युआन में भुगतान करने की सूचना दी है, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं को कच्चे तेल के सस्ते आयात से कोई लाभ नहीं मिला है, 1 रुपये का भी लाभ नहीं। इससे चीनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग को मंगलवार रात 11:30 बजे तक घोषित नतीजों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 30,391 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के अब तक के घोषित नतीजों के मुताबिक टीएमसी ने अपना दबदबा कायम करके रखा हुआ है और थ्रेड्स यूजर्स की संख्या 7 दिनों में 10 करोड़ पहुंची है। कंपनी ने ऐप अपग्रेड की शुरू की तैयारी। सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स का 5 जुलाई को 100 से ज़्यादा देशों में लॉन्चिंग किया गया था। यूजर्स के बीच ऐप इन दिनों काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 13 से 14 जुलाई को निर्धारित प्रारूप आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच में आसियाना ढांचे के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जकार्ता इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। साथ ही वे अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अब देश के बड़े बड़े म्यूजियम में भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग दिखाई देगी। रविंद्र भवन दिल्ली और भागलपुर के म्यूजियम में स्टेट अवार्डी मंजूषा कलाकार उल्पी झा की पेंटिंग लगाई जाएगी। इससे पूर्व उनकी महिला सशक्तिकरण पर आधारित पेंटिंग बिहार म्यूजियम की आर्ट गैलरी में भी लग चुकी है। दरअसल मंजूषा को GI टैग मिलने के 2 साल बाद अब सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में पेंटिंग की मांग बढ़ गई है। इससे यहाँ के कलाकारों को खूब काम मिल रहा है। इसके अलावा मंजूषा गुरु मनोज पंडित की पेंटिंग पटना में बन रहे म्यूजियम में लगेगी। इस पेंटिंग की थीम मंजूषा कला चित्र है। इसमें मंजूषा की जानकारी दी गई है।
भारतीय नौसेना की कन्वेंशनल सबमरीन काफी पुरानी हो गई है, नौसेना को नई सबमरीन की जरूरत है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से काफी उम्मीद लगाई जा रही है। नेवी को नई सबमरीन की जरूरत है और 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन के लिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया में पहले ही देर हो चुकी है। अगर फ्रांस के साथ 3 अतिरिक्त सबमरीन का ऐलान होता है तो नेवी को कम से कम होती सबमरीन के बीच कुछ राहत मिल सकती है। टीम इंडिया को वनडे विश्व कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाने वाले बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह ने अक्टूबर नवंबर में भारत में आयोजित हो रहे वनडे विश्व कप 2023 को लेकर भारतीय टीम के बारे में बड़ा बयान दिया। एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं निश्चित नहीं हूं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रही है। मैं एक देशभक्त के रूप में कह सकता हूं कि भारत जीतेगा, लेकिन भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर की समस्या को देखते हुए मुझे चिंता हो रही है। शायद ये टीम इंडिया के लिए बड़ी परेशानी है। मैं भारत को वर्ल्ड कप ना जीतते हुए देखना निराशाजनक है, लेकिन ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांवड़ यात्रा के चलते मीट की दुकानें बंद कराए जाने पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस मामले को समान नागरिक संहिता से जोड़ा है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि कांवड़ यात्रा में गोश्त की दुकानें बंद करा दी गई हैं। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार छीनना शर्मनाक है। सड़क पर नमाज पढ़ो तो FIR दर्ज हो जाती है। क्या एक देश में दो कानून नहीं है? जयशंकर ने ट्वीट किया, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद के साथ आज एक गर्मजोशी भरी और सार्थक बैठक हुई। हमारे विकास साझेदारी में निरंतर प्रगति के बारे में जानकर उत्साहित हूँ। हमारे पड़ोसी के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में इसका प्रत्यक्ष योगदान है। हिंद महासागर क्षेत्र के स्थिरता और समृद्धि पर दृष्टिकोण साझा किए, साथ ही हमारा परस्पर सहयोग उन लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे आगे बढ़े इस पर भी बात की। जयशंकर ने बैठक को भारत की पड़ोसी पहले और हिंद महासागर के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास नीति के लिए एक अच्छा दिन बताया। उद्योग जगत और कारोबार को प्रभावित करने वाले GST काउंसिल की बैठक मंगलवार को। इस बैठक में हुई कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस फैसले में एक सबसे बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी किया गया है। अब इस इंडस्ट्री पर 28% का GST लगाया गया है। इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की। नजारा गेम, क्राफ्ट, जूपी और विंजो जैसी गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि GST काउंसिल का यह फैसला असंवैधानिक और तर्कहीन है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर अत्याचार होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस आज मुंबई और महाराष्ट्र में मौन सत्याग्रह कर रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने कहा है कि देश की बेटियों का शोषण करने के आरोपी बृजभूषण धरन सिंह को सुरक्षा और देश के लिए संघर्ष करने वाले राहुल गांधी को सजा, ये कहाँ का न्याय है? जनता सब देख रही है और जनता से अपील है कि अब वो आगे आए। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में बीते सप्ताह मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी। दिल्ली वालों की मुसीबतें पूरी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि बारिश का थमा हुआ सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है और हरियाणा का पानी यमुना जलस्तर बढ़ा रहा है। दिल्ली NCR में सप्ताह भी बारिश होगी और 15 से 16 तारीख के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजू सिंह, अमन कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, नौसाद अंसारी, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, कुश कुमार यादव, रविशंकर। अबरते आज के सवाल की, आज का सवाल है कि आप मंजूसा पेंटिंग के बारे में जानते हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।